हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज। पहला प्रश्न, ई मसीहा ई मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स अब्रॉड इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय ई मसीहा। पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के थ्रू ई मसीहा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के संबंध में सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर, फर्स्ट, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 2009। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह 2009 में भारतीय संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुने। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(i) के तहत 5 साल में एक बार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नर वंस इन 5 years अंडर आर्टिकल 243(i) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी, इसलिए ऑप्शन बी दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए बिहार और झारखंड की बॉर्डर पर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्वराज पार्टी चेयर चित्तरंजन दास वाज इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक सचिव थे। दूसरा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 को गठित किया गया था। यह गठित एक राजनीतिक दल थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश है तो कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1923 आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922 ऑफ द नेशनल कांग्रेस। यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्वराज पार्टी के संबंध में बिल्कुल सही है, जो कि चित्तरंजन दास ने फाउंड किया था और मोतीलाल नेहरू उसके फाउंडिंग सेक्रेटरी थे। ऑप्शन ए यहाँ पर दोनों ही विकल्प यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ ऑल लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब इन दिस चैनल। डू लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।